How to fix Vivo Y15 call not reachable problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आपको इस तरह का कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल नॉट रीचेबल बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें कभी कभी ये आते रहते हैं, ठीक है, किसी को कॉल करते हैं तो बताते हैं कॉल नॉट रीचेबल, तो उसका मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिंपली इस वीडियो को आप ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम किस वजह से होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो कॉल जो है रीचेबल एरिया में नहीं होते हैं, ठीक है, उनके जो फ़ोन है उसमें नेटवर्क नहीं होते हैं, तो नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनको जो है हम कॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों नॉट रीचेबल बता दे है, तो नॉट रीचेबल यानी उनको हम अभी जो है यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट रीचेबल का इशू है, और आउट ऑफ कवरेज एरिया, यदि आप नेटवर्क कवर यदि वो जो है बंदा नेटवर्क कवरेज एरिया में है तो दोस्तों उससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उन तब भी आपको बताया कि आपको तब भी बताएगा कि नेटवर्क एरिया से बाहर है या तो फिर नेटवर्क रीचेबल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा होते रहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर वेट करना है, ये प्रॉब्लम अपने आप भी फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और सर्वर का प्रॉब्लम, कभी कभी सर्वर का इशू, सर्वर का प्रॉब्लम के वजह से भी ऐसा होते रहते हैं। तो बस दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ देर वेट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अपने आप, तो ठीक है, नहीं होते तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले डिवाइस को फ्लाइट मोड करके आप एक बार रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो करीब एक मिनट जैसा वेट कर लीजिए, फ्लाइट मोड करने के बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करके उसको डिसेबल कीजिए, ठीक है, आपका फ्लाइट मोड को डिसेबल कीजिए। उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो यहाँ पर इशू है वो यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गारंटी नहीं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क का इशू है, तो आप यहाँ पर ये करके देख सकते हैं। सारे साथ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आप जिसको भी कॉल कर रहे हैं सबको नॉट रीचेबल हो रहा है, तो फिर दोस्तों आप ये सॉल्यूशन को कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सेटिंग पर आ जाना है, और सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके आपको नीचे जाके बैकअप एंड रीसेट को ओपन कर लेना है। उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके यहाँ अपना सिम को सेलेक्ट करना है, रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके अपना पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद दोस्तों रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो डिवाइस है उसको रिस्टार्ट करें और एक बार कॉल करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि आपको इस तरह का इशू होते रहते तो दोस्तों सबसे बेस्ट है कि आप सिस्टम को अपडेट कर दीजिए, ठीक है, उससे भी आपका काम बन जाएगा, या तो फिर आप ड्यूअल सिम मोबाइल नेटवर्क पर जाके नेटवर्क को स्विच करके भी देखिए। तो सिम कार्ड एंड इन्फो पर जाके दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप नेटवर्क को भी स्विच कर सकते हैं बिटवीन 3G 4G या फिर 2G के बीच में, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व भी नहीं हो रहा है, किसी को भी आप कॉल नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोई दूसरा सिम अपना फ़ोन पे डाल के देखिए, सिम पे प्रॉब्लम है या फिर फ़ोन पे प्रॉब्लम है आपको पता चल जाएगा। यदि उस सिम पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पर जाके इरेस ऑल डेटा कर देना है, ठीक है, यदि कोई भी सिम काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बाय एनी चांस वो दूसरा सिम जो है वो काम कर जाते हैं, ठीक है, और आपका जो पहला सिम है वो ऐसा ही हो रहा है, सभी फ़ोन पे आपने ट्राई करके देखा फिर भी ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछिए कि उस सिम पे ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो आपको इसका सॉल्यूशन बता देगा ज़रूर, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कॉल नॉट रीचेबल का यहाँ पर दोस्तों रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि वो रीचेबल एरिया पर नहीं होते, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज में होते हैं, या फिर वो सर्वर का इशू जो है फेस कर रहे होते हैं, तो इसके वजह से ज़्यादातर जो है नॉट रीचेबल का प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों रीज़न और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।